एक वो अमाउंट जो टोकन मनी के तौर के ऊपर उन्होंने मुझे दी थी, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि ये रिश्वत का पैसा ये लोग मुझे दे रहे हैं और मैं रंगे हाथों इन आदमियों को पकड़वाना चाहता हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। ये वो पैसे हैं, वो बंडल है जो सुरक्षित है। मैं विपक्ष के साथियों से भी कह रहा हूं, इस काम का राजनीति करना हो, मैं अपने साथियों से भी कह रहा हूं, सत्ता पक्ष के जितने भी साथी हैं, इस बात का राजनीति करना हो, ये मैं मुद्दा जो उठा रहा हूं, ये जनता का मुद्दा उठा रहा हूं, जनता की आवाज इस सदन के अंदर उठाने के लिए सभी मेंबर्स आते हैं। ये पैसे, ये वो रिश्वत के पैसे हैं जो टोकन मनी के ऊपर मुझे दिए गए, ये कि आप ये आवाज मत उठाओ, हमें ये पैसा लेने दो। इस मामले में मैं एलजी साहब से भी मिला हूं, एलजी साहब को भी पत्र लिखा है, मैंने सीएस साहब को भी लिखा है, मैंने हर दरवाजे के ऊपर मिला हूं। अपने जान जोखिम के अंदर डालकर मैं ये काम कर रहा हूं, क्योंकि वो इतने दबंग व्यक्ति है कि मेरे साथ भी वो कुछ कर सकते। मैं विपक्ष के भी सभी साथियों से यह हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सत्ता पक्ष के साथियों से भी मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसका राजनीतिकरण नहीं, ये दिल्ली के जनता के हितों के लिए मैं आवाज उठा रहा हूं। इस सदन के अंदर जितने भी आदमी आते हैं वो सभी जनता के हितों के लिए आते हैं। मुझे पता है मेरे साथ में वो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने डीसीपी साहब को पत्र लिखा कि मुझे सुरक्षा की जरूरत है, मेरे आगे पीछे इस प्रकार के दबंग घूम रहे हैं, मुझे धमकी देते हैं। आज फिर एक नया ड्रामा हमने विधानसभा में देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के विधायक सदन के अंदर 15 लाख रुपए कैश लेके आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी से 15 लाख रुपए कैश तो आप दिखा रहे हो, कोई स्टिंग किया हो तो वो दिखा दीजिए, आप तो स्टिंग के मास्टर है ना, स्टिंग कोई किया हो वो दिखाइए। आप कह रहे मैंने कंप्लेन करी, कंप्लेन की कॉपी जनता को दिखा दीजिए। आप तो हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई करी हो इस मुद्दे के ऊपर वो दिखा दीजिए, वो उसका दिखा दीजिए। सवाल इस चीज का है कि अब तक आपने कुछ एक्सपेक्ट किया नहीं, और आप अभी तक कोर्ट क्यों नहीं गए? सवाल ये है कि कोई आपके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा, आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें करते थे। तो मेरा मानना ये है कि सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के अंदर हमारे विधायक, बीजेपी के विधायक जो मुद्दे हैं उसको जो उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामला उठा रहे हैं, तमाम ऐसे मामले उठा रहे हैं। आप कई भ्रष्टाचार के मामले गिर चुके हैं, क्लासरूम घोटाला हो, आप कंस्ट्रक्शन वर्कर का घोटाला हो, ईडी का मामला हो, ये तमाम ऐसे मुद्दों के ऊपर जब आप लोग घिर चुके हैं और सदन में चर्चा होनी चाहिए और सदन के अंदर दिल्ली के विकास की चर्चा होनी, उस पर नहीं करेंगे आप। लेकिन इस तरह का जो रोज एक नया ड्रामा क्रिएट करके आप दिल्ली की जनता को भड़काने की जो कोशिश कर रहे हो वो दिल्ली की जनता देख रही है।